90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन उफान पर था तो एक नारा लगाया जाता, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वजह थी कि अयोध्या में जिस तरह की स्थितियां मौजूद थी वैसी ही स्थितियां काशी और मथुरा में भी थी। अब अयोध्या में 500 सालों के बाद राम लला अपने घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब एक और मुकदमा चालू हो गया है जो है काशी विश्वनाथ का। वाराणसी में काशी विश्वनाथ से सटा एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है ज्ञानवापी मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर विवाद है। एक पक्ष कहता आया है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। इसका एक मुकदमा 3 दशक से अदालत में लंबित चल रहा है। तो वही ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। आपको बता दे, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद की जो 4 दीवारी है वे काशी विश्वनाथ मंदिर से लगती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो कहा जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और उसके बाद कई बार बनाया भी गया है। इतिहासकारों के मुताबिक 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर ने दीन-ए-इलाही की धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। दीन-ए-इलाही एक धार्मिक व्यवस्था थी जिसे अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। दीन-ए-इलाही के तहत इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक समरूप धर्म बनाना था। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का काम देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी दीन-ए-इलाही की इस धार्मिक व्यवस्था की बात को स्वीकार करती है। अब इसे लेकर हिंदुओं की 3 मांग है। पहला, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी घोषित करना। दूसरा, मस्जिद को तोड़कर परिसर में मुसलमानों के आने पर रोक लगे। तीसरा, परिसर में हिंदुओं को मंदिर को वापस बनाने की परमिशन दी जाए। इस बीच आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कब से शुरू हुआ। तो आपको बता दे, ज्ञानवापी को लेकर पहला मुकदमा 1991 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले के याचिककर्ता थे। 1993 में विवादित जगह पर वर्शिप एक्ट के तहत स्टे लगा दिया गया और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2019 में मामला फिर सर्वे की मांग को लेकर अदालत पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की मांग करते वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली। इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार भी कर ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को इस आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। ज्ञानवापी मामले में तो ASI का सर्वे भी हो चुका है और उसकी रिपोर्ट दोनों पक्षों को भी सौंप दी गई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने तो उसे सार्वजनिक भी कर दिया है, जिसके बाद मीडिया में ये नरेशन बना दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक पुराना मंदिर है, यानी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वजू खाना के फव्वारे को शिवलिंग बताकर इस विवाद को नए सिरे से शुरू किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से फव्वारे और शिवलिंग विवाद में तो ASI का सर्वे नहीं हो सका है, लेकिन इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, बार बार अपील डाली जा रही है। बनारस की अदालत ने 21 अक्टूबर 2023 को हिंदू पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कथित शिवलिंग को छोड़कर वजू खाना का सर्वेक्षण करवाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि ASI को उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके को संरक्षित घोषित किया है। इसके बाद इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसमें अपडेट ये भी है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने 24 जनवरी को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत की रिपोर्ट के अनुसार 24 जनवरी को बनारस के जिला न्यायाधीश डॉक्टर AK विश्वेश की अदालत ने ASI सर्वे रिपोर्ट की सत्यापन
पे प्रतिलिपि दोनों पक्षों को देने का निर्देश दिया, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाने के बाद किसी भी पक्ष से हलफनामा नहीं मांगा गया। अब 25 जनवरी 2024 को करीब 1600 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खोला गया, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि के लिए कुल 11 लोगों ने कोर्ट में अर्जी दी। हिंदू पक्ष की ओर से 5 याचिकाओं के अलावा अंजुमन, इंतजामिया, मसाजिद कमेटी, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह सचिव और वाराणसी जिला मैजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकताओं ने सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति के लिए आवेदन किया। इस सर्वे रिपोर्ट पर किसी तरह की आपत्ति होने पर दोनों पक्षों को 6 फरवरी 2024 तक इसे कोर्ट में दर्ज कराने का समय दिया गया। लेकिन अब कोई क्या आपत्ति करे, कब आपत्ति करे, सर्वे रिपोर्ट मिलने के कुछ ही समय बाद ही टीवी चैनलों पर फ्लैश चलने लगेगा कि ज्ञान वापी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और एएसआई के सर्वे में मंदिर के अवशेष मिले हैं, जबकि एएसआई ने अपना कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। ये साफ दिखाई देता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझने के बाद काशी और मथुरा को लेकर अदालतों में लंबी लड़ाई चलने वाली है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।